गाइस आप लोग देख सकते हैं कि गरीबी ऐसा है, आप घर से खाना खा के आए थे क्या? ना। तो जोर से बोलिए ना। तो भूखे होंगे आज? हाँ। तो ये भूखे हैं तो गरीब का दर्द जो है आप समझिए, दर्द ऐसी होती है, ये खाना खा के नहीं आए हैं और ये अपना पेट पालने के लिए बकरी चला रहे हैं। तो मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि गरीबों को जरूर कुछ ना कुछ राहत दीजिए। इन्होंने तो बताया कि 400 रुपया पेंशन मिलता है, 400 पेंशन में कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। तो आपकी क्या घर की स्थिति है? देखिए इसको बीमारी हो गया है और यह बेचारे बहुत परेशान है, किस तरह से इनका मुंह से बोल भी सही से नहीं सकते हैं। तो ऐसा सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, और यह लोग के लिए सिर्फ बिस्नी चक चांदपुर पंचायत में नहीं, ऐसे ऐसे लोग जो हैं पूरे भारत में हैं, तो उस लोगों को निचली स्तर पे लाभ मिलना चाहिए। तो अगर इस वीडियो के अंत में कुछ गलत बोले होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या आपको जो है सरकार के द्वारा लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ। आपका ये रोशनी कितने दिन से गायब है? कल हम तो 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से कुछ नहीं दिखाई देता है आपको? इसका आंख से ये अंधा है, मैं जानता हूँ। तो गाइस मैं अमित पंडित समेली, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, और भारत सरकार के द्वारा गरीबी दूर होनी चाहिए। आपने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हरेक को 2022 में पक्का मकान दूंगा, आपने सीना ठोक के बोला था, और बोला था हमारी सरकार बनेगी तो काला धन वापस लाऊंगा। क्या आपके खाता में 15 लाख रुपया आया है? ना। इसके खाता में 15 लाख रुपया अभी तक नहीं आया। आपने बोला था हरेक खाता में, जनधन खाता में 15 लाख डालेंगे। आपका बैंक में अकाउंट है? हाँ। है ना, पेंशन मिलता होगा। हाँ। तो आप खाता में चेक किए 15 लाख आया है? नहीं। तो आप हवा हवाई में और बाद में बोल दिए कि यह बात जुमला है, चुनावी वादा है, तो आपके लोगों के किस भरोसे पे लोग विश्वास करेंगे? तो गाइस मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के अंत में अगर कुछ गलत त्रुटि हुआ होगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।